प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में, माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में। आइए दर्शकों, हाथ जोड़कर नमन करते हुए माँ देवी अपराजिता को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे देवी अपराजिता, हे त्रिलोक की देवी, अपनी अपार शक्तियों के भंडार में से हमें पर भी कुछ छींटे लगा देना, जल के उस अमृत के छींटे लगा देना, जिससे हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाए, भक्तों का कल्याण हो जाए, भक्तों के सभी दुख हर लेना, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करना, इसी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने वाले हर भक्त का कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपके अंदर भाव भक्ति होनी चाहिए। देवी अपराजिता का जो स्वरूप आप अपने समक्ष देख रहे हैं, आप अपने चैनल पर अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, ये बड़ा दिव्य और एक प्रतिष्ठित स्वरूप है। इनके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, व्यक्ति दुख से छूट जाता है, जीवन सुखमय बन जाता है। तो हमारा आज भी ये लाइव प्रोग्राम है दर्शकों, आप इसको लाइव अपने मोबाइल अपने टीवी पर देख रहे हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए टीवी पर और मोबाइल पर जो भी आप नंबर अभी देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करना है। कॉल करिए, हम इस कार्यक्रम में आपकी कॉल को अवश्य सम्मिलित करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा और माँ देवी के चरणों की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करेंगे, समय को व्यर्थ ना करते हुए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरु जी, हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर मैं कानपुर से गुरु जी बात कर रहा हूँ। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। मोहित भाटिया। कितने वर्ष के हो मोहित जी? मैं 29 का हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मीना भाटिया। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। जी जी गुरुजी। हरिओम। हरिओम बेटा, शुक्र पीड़ित है बेटा आपका। शुक्र मंगल का दोष दिखाई देता है, जिसके कारण राजयोग, संतान का सुख, पत्नी का सुख, विवाह का सुख बेटा आपके जीवन में बाधित है जी। अभी कुछ बेटा वैवाहिक सुख में, विवाह में बाधा आ रही है बेटा? हाँ जी आ रही है गुरु जी। आपसे पहले भी मेरी बात हो चुकी है। कितना समय हो गया बेटा?
मार्च के पहले हुई थी, फिर मार्च आ गया, तीन तरह के उपाय सब बताए थे, वो सब हमने किए थे, मगर कोरियर वाला नहीं आया, वो कहता मैं आपके घर के नीचे। सामग्री बेटा आशीर्वाद की सामग्री आपको प्राप्त नहीं हुई बेटा? नहीं, फिर वो प्राप्त नहीं हुआ, वो आया नहीं, फिर होली आ गई। कोई बात नहीं बेटा, देखो ऐसा होता है किसी का यदि अनुष्ठान किया जाए और सामग्री उस तक नहीं पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि आशीर्वाद आकर लौट जाए। आपका आशीर्वाद आके लौट गया बेटा, लेकिन चिंता ना करें बेटा, यहाँ माँ देवी के दरबार में सबका फिर से स्वागत है, आपका मैं स्वागत करता हूँ, और ये बड़े विश्वास से कह सकता हूँ इस बार बेटा जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा उसको बड़ी जिम्मेवारी से उसको प्राप्त करना, और अगले कुछ ही दिनों में आपकी ये मनोकामना बेटा पूर्ण हो जाएगी। एक तो बेटा करना क्या है आपको, सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर स्नान रोज किया करो, ये अपना नियम बना लो, शुक्र की पवित्रता और शुभता बढ़ जाएगी। चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाकर उसको बेटा शुक्रवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन मंदिर में थोड़े से सफ़ेद फूल, 5 जायफल, 5 छोटी इलायची, 5 मिश्री के टुकड़े बेटा सफ़ेद रंग के रुमाल में रैप करके, हो सके तो साथ में 11 रुपये की दक्षिणा भी रख देना, ये मंदिर में जाके ब्राह्मण को अपने हाथ से बेटा दान कर देना। एक शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन और एक गजेंद्र मणि, ये लाल रंग के धागे में धारण करें। मंगल और राहु की बेटा थोड़ी शांति करवानी है, आपको पितृदोष भी है बेटा, थोड़ा पितरों के प्रति आप कुछ ना कुछ कर्म करते रहा करें, जैसा कि अमावस्या के दिन ब्राह्मण को बेटा कुछ भोजन का दान करें, नहीं तो सिंपल आप 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी, थोड़ा दूध और कुछ दक्षिणा भी आप दान कर सकते हो। ये महीने में बेटा एक बार कर लिया करो, जितने आपके पितर प्रसन्न होंगे उतना जीवन में आनंद और सुख की आपको बेटा प्राप्ति हो जाएगी, और आपका विवाह का कार्य अति शीघ्र बेटा संपन्न होगा, और अगले 3 माह के अंदर बेटा आपके ये सभी कार्य बेटा पूर्ण हो जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, विवाह यदि किसी पुरुष का बाधित हो रहा हो तो शुक्र को प्रबल कर लेना, विवाह का सुख अवश्य मिल जाएगा। यदि कोई अंधा ब्राह्मण मिल जाए, कोई वृद्ध ऐसा ब्राह्मण मिल जाए जो जिसे दिखता ना हो या नेत्रहीन हो, साक्षात शुक्राचार्य की कृपा उस व्यक्ति पर हो जाती है। काली गाय को हरा चारा खिलाने से, ब्राह्मण को शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुएं दान करने से, सुबह जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर स्नान करने से, बहते पानी में दूध और जौ शुक्रवार को जल प्रवाह करने से, चांदी का चकोर टुकड़ा सदैव अपनी जेब में अपने पर्स में रखने से, देवी देवताओं पर शुक्रवार के दिन सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से हमेशा शुक्र की शुभता बढ़ती है। ब्राह्मण की पत्नी को शुक्रवार के दिन गुलाबी साड़ी, श्रृंगार का सामान और इत्र का दान करने से, दूध का मिष्ठान दान करने से शुक्र की शुभता बढ़ जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मीनू नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? फरुखाबाद। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 39 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 26 नंबर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। बेटा कुछ पारिवारिक अशांति कला कलेश ज्यादा रहता है, पति पत्नी में कुछ सामंजस्य का आपसी विश्वास का अभाव है। पति आपकी माँ और बहन के कहने पे चलते हैं, आपकी बात बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, आपकी बात नहीं मानते, अपने परिजनों की तरफ उनका ज्यादा भरोसा और विश्वास रहता है जी। चिंता ना करें बेटा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा, जीवन आनंदमय होगा और पति का ध्यान भी आप पर केंद्रित होगा। पति लड़ता है सर, बिल्कुल गुरुजी, बात ही नहीं मानता है, लड़ता बहुत है। हाँ जी बेटा, एक मंत्र दे रहा हूँ आपको, उस मंत्र को बेटा आपने 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को उसका पाठ करना है बेटा। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। एक बार फिर से उच्चारण करूँगा बेटा मैं, ध्यान से सुनिए, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा आपने लाल वस्त्र धारण करके या लाल चद्दर ओढ़ कर, माथे पर लाल तिलक लगाकर, सिर पे लाल रुमाल रखकर, लाल रंग के आसन पर बैठकर 5 मिनट सुबह 5 मिनट साय को इसका आपको पाठ करना है, अपने पति का सामने फोटो उनका ध्यान लगाते हुए। आप ये उपाय बेटा करके देखना, बहुत ही अद्भुत फल आपको मिलेगा। एक आपको ओपल रतन धारण करना है, जहाँ बेटा आपका बेडरूम है, जिस बेड पर सोते हो उस पर लाल रंग की बेडशीट बिछाया करें, लाल रंग के तकिए होने चाहिए, और उस कमरे में उत्तर की दीवार पे एक 0 वाट का दूधिया बल्ब आपको लगवाना है बेटा, वो बल्ब 24 घंटे जलता रहे। इस बात का बेटा बड़ा खास ध्यान रखना, ये उपाय शुरू करिए, जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पति को दिन कहेंगे तो वो दिन कहेगा, रात कहोगे तो रात कहेगा, जैसा आप कहोगे आपकी वो बात अवश्य मानेगा, और इससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा। और जो पति के परिवार वाले हैं, जैसे उनकी माँ है, बहन है या भाभी है, उनके प्रभाव से आपका पति पूरी तरह छूट जाएगा। ये उपाय करने हैं आपको, और शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर में जाकर थोड़ा सा मिश्री का दान कर दिया करो बेटा। उपाय नियम से करना, जीवन में सुख और संतोष दोनों प्राप्त हो जाएंगे बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम, सदा आपका कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, बड़ा सरल है। इस कार्यक्रम की विशेषता यही है कि यहाँ इस कार्यक्रम में माँ देवी की कृपा बहती है, उन्हीं की कृपा की गंगा बह रही है, उनमें आप भी डुबकी लगाइए, अपने जीवन को पवित्र करिए, और उनकी कृपा से ही काम होते हैं। उपाय तो बड़े सरल हैं जो आपको दिए जाते हैं, और उन सरल साधारण उपायों से आपको असाधारण फल मिलता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, मुझे हाँ, क्या नाम है बेटा, नाम बताइए अपना। मैं ऋचा बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो ऋचा बेटा? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो? गुरुजी मेरा 36 इयर्स की हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27। अपनी जन्म देने वाली माता का नाम बताओ। सुषमा। कोई भी एक रंग के बारे में बोलो बेटा। सफेद रंग। ठीक है बेटा, 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम बेटा, काफी समय विवाह को होता प्रतीत दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक संतान का सुख नहीं मिला बेटा आपको? नहीं गुरुजी। संतान में बाधा आ रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी। बेटा, संतान का योग अवश्य है और अवश्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और संतान प्राप्ति के लिए आपको बेटा मैं ऐसी जड़ी बूटी प्रदान करूंगा, और अगले 2 से 3 माह के अंदर आपके जीवन में खुशी आएगी और आपको संतान प्राप्ति का संकेत प्राप्त होगा, और आपका ये कार्य तो बेटा अवश्य ही होगा, इसे कोई अब रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा बेटा एक शुद्ध पीताम्बरी पीला पुखराज और एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। घर में आंगन में या अपने घर की बालकनी में बेटा हो सके तो उत्तर की तरफ एक तुलसी और केले का पौधा गमलों में लगाएं, उस पर पीतल के बर्तन से रोज जल दिया करो, और केले के समक्ष रोजाना बेटा एक पीतल की जोत में तिल के तेल का दीपक रोज जलाया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का पाठ करना बेटा शुरू कर दीजिए, कम से कम 10 मिनट तक रोज करना है, और 16 गुरुवार 4 केले 400 ग्राम चने की दाल 1.25 मीटर पीला कपड़ा कुछ दक्षिणा ये मंदिर में जाके दान करनी है। छोटे गरीब लड़कों को केले बांटने शुरू कर दो गुरुवार के दिन, केला जीवन में अब कभी नहीं खाना। इसके अलावा बेटा जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना, और घर में ऐसे जूते चप्पल इकट्ठे ना करें जो आप पहनते ही नहीं हो। इन बातों का बेटा बड़ा खास ध्यान रखना, यदि इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप सदैव सुखी रहोगे और अति शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दिव्य और पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य देवता को रोज जल दिया करो, जल में 8 लाल मिर्च के बीज अवश्य डाला करो। सूर्य देवता से एको प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता मुझे श्रेष्ठम संतान और पुत्र का सुख प्रदान करो, आपकी इच्छा ये अवश्य पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा बेटा आपको और आपके पति परिवार को पितृदोष है, सूर्य पर दोष है बेटा, उसकी शांति योग्य विद्वान से करवाएं। गुरुवार को पीले और रविवार को लाल कपड़े बेटा पहनना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं, बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो प्रिय दर्शकों। इसी प्रकार से बड़ा ही सरल है इस कार्यक्रम से जुड़ना और भव्य माँ के दर्शन करते हुए माँ की कृपा को प्राप्त करना। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे जो दर्शक इस नए कार्यक्रम को अभी से देख रहे हैं वो हमारे कार्यक्रम को YouTube हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है प्रभु दरबार YouTube चैनल, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए एक कॉल और लेते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी महेंद्र नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं अजमेर से बात। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी 45 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 23। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना जी। हरिओम। स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहता है, काफ़ी समय से बीमार रहते हो, हिम्मत नहीं है शरीर में इतनी, पाचन तंत्र भी ठीक नहीं है, दवाई खाते हो लाभ नहीं मिलता। रात को दही खाते हो, लस्सी पीते हो रात को? रात के समय दही और लस्सी का सेवन बंद कर दें, इससे बीमारी और शरीर कष्ट के योग बनते हैं। दूसरा, सुबह शाम गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, खाली पेट आंवले का सेवन करो, आंवले का मुरब्बा 1 पीस रोज खाया करो, दही और दूध दिन के समय पिया करो। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने हैं, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा कुत्ते के लिए सतनजा 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को खिलाएं, और 1 शराब की बोतल लेनी है आपको, शनिवार को उसका ढक्कन खोलें, उसको अपने हाथ से किसी नदी में पानी में बहते में खोल के उसको प्रवाह कर दें, ये उपाय करना है। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना, और पूर्व मुखी बैठकर खाना खाया करो, रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो।
सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में एक बेटा लोहे का छल्ला शनिवार को सूर्यास्त के बाद बेटा धारण कर लेना, जीवन में आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। तो इसी प्रकार से प्रिय दर्शकों, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जो व्यक्ति रात को खाना खाता है उसे बहुत ही कष्ट मिलता है, जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य में निरंतर बाधा चल रही हो, उस व्यक्ति को अपनी छोटे घर में यदि कोई छोटी कन्या है जो 12 वर्ष तक की या उससे कम की कन्या है, उसके साथ बैठ के एक ही थाली में उस व्यक्ति को खाना खाना चाहिए, यमराज भी उसके आसपास कभी फटक नहीं पाएगा, उसको कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो पिता अपनी कवारी कन्या, जो छोटी कन्या होती है, जो 12 साल तक की कन्या होती है, उसे छोटी कन्या होती है, उसके साथ एक ही थाली में खाना खाता है, उसको कभी भी स्वास्थ्य की जीवन भर पर्यंत कोई दिक्कत नहीं आती। ये आशीर्वाद होता है माँ भगवती का, देवी अपराजिता का, माँ वैष्णो देवी का। आइए आगे बढ़ते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। माँ देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। जल्दी से अपना नाम बताइए। सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा अपना नाम बोलिए जल्दी से। मेरा नाम है सर विक्रम सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जम्मू से बात कर रहे हैं। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? सर मैं 32 वर्ष का हो गया हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 14। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कैलाशो देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम बेटा, घर में पैसा नहीं रुकता बिल्कुल भी? हाँ जी सर, पैसा नहीं रुकता। आमदनी कम और खर्चे बेटा आपके ज्यादा हैं। दूसरा, आपकी बुद्धि भ्रांत रहती है। हाँ जी, हाँ जी सर, खर्चे बहुत हैं। चंद्रमा और बुध का दोष है, बुद्धि नियंत्रित नहीं है, ज्यादा सोच विचार करते हो बेटा। हाँ जी सर, पर सोच आती है, ऐसे मुझे लगता है कि देवी देवता मेरे साथ बात करते हैं। हाँ, सोच ज़्यादा है और कई बार नकारात्मक विचार भी आते हैं, इसको आप ज़्यादा वहम की बीमारी भी कह सकते हो। तो ये चंद्रमा और बुध का दोष है बेटा। एक तो आपने क्या करना है, थोड़े से बेटा साबुत मूंग की दाल बेटा रात को पानी में भिगो के रखें और सुबह उस मूंग की दाल को बेटा कबूतरों को खिलाना शुरू कर दीजिए। रोजाना बेटा थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को रोज पिलाना है, ये अपना नियम बना लीजिए। 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम काले तिल और 800 ग्राम गेहूं काले कपड़े में लपेटकर बुधवार के दिन बेटा बहते पानी में प्रवाह करना, और वर्ष में एक बार किसी भी बुधवार के दिन 800 ग्राम रांगा धातु बेटा आपने जल प्रवाह करना है। जिस घर में रहते हो बेटा उस घर के पश्चिम उत्तर यानी वायव्य कोण में एक काले रंग का बेटा झंडा अवश्य लगाना, जिससे बेटा आपके जीवन में बरकत आएगी, पैसा बीमारी पर नुकसान पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और जो नकारात्मक विचार आते हैं या कुछ ऐसा लगता है कि आपके पास आसपास कोई है और आप उन्हें देवी देवता समझ रहे हैं और आप उनसे बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका वहम है बेटा, वो नकारात्मक चीज़ें हैं बेटा, अच्छी शक्तियां नहीं हैं ये। और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा बुध और केतु की शांति करवाएं। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो
और रात को जूठे बर्तन बचा कीला गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। जो व्यक्ति रात को जूठे बर्तन और बचा हुआ गीला आटा अपने घर की रसोई में रखता है, उसके घर में बुरी शक्तियां रात को भ्रमण करती हैं और उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। ये उपाय करना और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पन्ना रतन और चांदी का छल्ला बेटा, ये आपको अपने जीवन में अपने शरीर पर अवश्य धारण करना है। ये उपाय करें, जीवन सुखमय हो जाएगा और सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम, सदा आपका कल्याण। तो इसी प्रकार दर्शकों, आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही निराला है, जहाँ देवी की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम में अवश्य लगाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। यदि मोबाइल पर इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाके इस कार्यक्रम को शेयर करें और फॉलो करें। दूसरा प्रिय दर्शकों, यूट्यूब चैनल पर आप इस कार्यक्रम को रोज़ाना देख सकते हैं। शाम को 3 बजे भी, दोपहर के बाद 3 बजे भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर किया जाता है। और कार्यक्रम पसंद आने पर आप कार्यक्रम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। प्रेमलता बात कर रही हूं जी, दिल्ली से। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो जी? 25 वर्ष। अपनी माँ का नाम बताओ। कृष्णा देवी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में 25। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा कुछ विवाह में अड़चन बाधा दिखाई दे रही है बेटा। हाँ जी गुरुजी, मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, लेकिन लड़का दरखास्त कर मेरे घर वाले राजी नहीं है। बेटा मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे, और लड़का अदर कास्ट का है, हमारी कास्ट का। क्या नाम है बेटा लड़के का? राहुल। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा कार्य अवश्य बन जाएगा आपका, और ये वर्ष जो है ये आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। आपको और जिससे आप विवाह करना चाहते हैं दोनों को बेटा एक फिरोज़ा रतन बेटा बनवाना है। ओरिजिनल ईरानी फिरोज़ा लें, उसको चांदी में बनवा के बेटा आप दोनों एक साथ अपने अलग अलग अपने गलों में बेटा उसको धारण करें, काले रंग के धागे में। इसके
अच्छा बनेगा? बेटा फिरोजा रतन लेना है आपको, बहुत अच्छी क्वालिटी का, थोड़े बड़े साइज का। उसका लॉकेट बनवा के लड़का लड़की दोनों आप लोग धारण करें, इसको शनिवार को धारण करना। और दूसरा बेटा, आप दोनों को एक उपाय करना है, 800 ग्राम जौ लेने हैं, उसको दूध से धोकर बेटा शुक्रवार को बहते पानी में प्रवाह कर देना। और एक चांदी का चकोर टुकड़ा बेटा आपको बनवाना है, एक तरफ आपको अपना और अपनी माँ का नाम लिखना है, दूसरे तरफ लड़के का और लड़के की माँ का नाम लिखना है। उस चांदी के टुकड़े को बेटा सफ़ेद रंग के सूती रुमाल में, कॉटन के रुमाल में, थोड़े से साबुत कच्चे चावल के साथ बांधकर अपने घर में उसको पूजा के स्थान पर रखें, उसे रोज़ाना दूध का तिलक लगाएं। ये प्रक्रिया बड़ी अद्भुत है, यदि माता पिता के सामने ना रखना चाहें तो अपने रूम में भी उसको छुपा के साफ जगह पर रखकर ये प्रक्रिया कर सकते हैं। उस पोटली को रोज़ाना दूध का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, ये उपाय बेटा करना है। और इसके साथ में आप एक दो मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना, अर्ध नारीश्वर भगवान की पूजा किया करो, ओम अर्ध नारीश्वराय नमः। इस मंत्र का बेटा रोज पाठ करके शिवलिंग पर बेटा थोड़ा सा दूध चढ़ाया करो, आपके काम अवश्य बनेंगे और इसी वर्ष आपका विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा बेटा, जीवन में सुख मिलेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम, सदा आपका कल्याण हो। दर्शकों, उपाय बड़े सरल होते हैं लेकिन जो फल होता है वो बड़ा ही अद्भुत होता है। पूजा पाठ के द्वारा, मंत्र के द्वारा, दान की प्रक्रिया के द्वारा या कुछ वस्तुएं जल में प्रवाह करने मात्र से बड़े बड़े पाप और क्रूर ग्रहों की बेटा शांति हो जाती है, अनुकूलता मिल जाती है, ग्रहों की शुभता मिल जाती है। दान की दर्शकों कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वता है। जो व्यक्ति अपने नियम से, अपने हाथ से, पुण्य कर्मों में दान कर्म, अन्न का दान करता है, जीव जंतु की, पशु पक्षियों की नित्य दिन सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी दुख और संकट नहीं आते। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। प्रियंका। कहाँ से बात कर रहे हो प्रियंका जी? दिल्ली से। कितने वर्ष के हो आप? 25। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 35। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम हरिओम बेटा, कुछ मानसिक तनाव ज्यादा दिखाई दे रहा है, बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता बेटा। विवाह तो आपका हो चुका है लेकिन बेटा क्या बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता घर में आपको? नहीं। बहुत ज्यादा परेशानी रहती है बेटा लड़के की माँ की तरफ से, यानी आपकी सासू माँ की तरफ से परेशानी है आपको? हाँ। कोई बात नहीं बेटा, एक रूबी रतन बेटा बनवा के लाल रंग के धागे में बेटा धारण करना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार को घर में थोड़ी चावल और दूध की खीर बनानी है, वो खीर बेटा परिवार में सबको दिया करो। और उससे पहले, सबसे पहले खीर बनाने के बाद 2 रोटी बनाएं, 2 रोटियों पर थोड़ी खीर रखकर बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। ये उपाय बेटा आपको करना है। सूर्य देवता को थोड़ा जल रोज देना है तांबे के कलश में, जल में थोड़ा दूध और थोड़ा सा दो बूंद सरसों का तेल अवश्य डालना है। और सूर्य देवता से बेटा प्रार्थना करनी है कि आपको जीवन में सम्मान, बड़ों का आशीर्वाद और जीवन में सुख मिले। बेटा जीवन में कभी तामसिक भोजन आपने नहीं खाना। और घर के पूर्व उत्तर कोण में कांच की एक बोतल में बेटा गंगा जल भर के सोमवार के दिन आपको स्थापित करना है। ये उपाय करिए, आपको चंद्रमा, केतु और सूर्य की शांति योग्य विद्वान से करवानी है, जिससे बेटा जीवन में सुख मिल जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम।
प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप अपने बच्चों का अच्छे भविष्य चाहते हैं और आप अपने बच्चे के लिए जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी का प्रयास करना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, ये पहले से आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भटकते रहते हैं, ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो माता पिता से ज़िद करते हैं कि हमें तो इंजीनियरिंग करनी है। अब इंजीनियरिंग पर उन्होंने 4 साल लगा दिए, 20-25 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, जब इंजीनियरिंग पूरी हो गई तो बच्चे का मन बदल जाता है कि अब मुझे इस क्षेत्र में नहीं जाना, मुझे तो कुछ और करना है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल भी बर्बाद हुए और पैसा भी बर्बाद हुआ, लेकिन सफलता फिर भी नहीं, समस्या वही जो पहले थी, बेरोजगारी, अराजकता वही आज। तो पहले से यदि आप अपना दिशा ज्ञान तय कर लेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जान लेंगे, तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे आपके जीवन में सुखी हो जाएंगे। आप अपने बच्चों की प्रभु दरबार पत्रिका हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं, उसमें मेरे द्वारा लिखी आपको जीवन की संपूर्ण जानकारी और बड़े ही गूढ़ उपाय दिए जाएंगे। जब आप हमारी पत्रिका को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि आपके बारे में जो लिखा हुआ है उसके अंदर वो बातें बिल्कुल सत्य हैं जो आप ही जानते हो, लेकिन वो बातें सत्य ही लिखी जाती हैं और उसमें आपको ऐसे सटीक उपाय दिए जाते हैं छोटे छोटे, जिसको करने से आपके जीवन में सुख आता है, आपके जीवन को दिशा ज्ञान प्राप्त होता है और आपके बच्चों के राजयोग जागृत होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं प्रणाम करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि हे देवी त्रिलोके देवी अपराजिता माँ, इन कार्यक्रम से जुड़े सभी भक्तों का कल्याण आपको ही करना है, किसी को भी निराश नहीं करना, सबका काम सफल करना, जो अर्जी लगा रहे हैं सबकी अर्जी को पूर्ण करना, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में हम फिर से हाजिर होंगे। समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम से अवश्य होगा। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।